सब्सक्राइब कीजिए एग्जा इन्फो बड़ी चैनल को और बेल आइकन को भी दबाइए लेटेस्ट एग्जा इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अक्षय इन्फो बड़ी चैनल पे, जहाँ पर मिलते हैं आपको एसएससी, बैंक, रेलवे और सभी गवर्नमेंट जॉब और सभी एग्जाम के बारे में इन्फॉर्मेशन सबसे पहले। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे UP SSC BDO का जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे मिलके। तो दोस्तों बता दूँ मैं आपको, जैसा कि आपको पता ही होगा, ये BDO की कट ऑफ के बारे में पहले ही बहुत सारी वीडियो जो है हमारे यूट्यूब पर आ चुकी हैं। आप जान रहे होंगे कि मैं थोड़ा लेट हो गया वीडियो डालने में। दोस्तों मैं लेट नहीं हुआ वीडियो डालने में, मैंने थोड़ा यहाँ पे लेट वीडियो बनाया है क्योंकि मैं थोड़ा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करा था कि कितना क्वेश्चन यहाँ पे राइट आ रहा है, कितना रॉन्ग आ रहा है अपने अपने कैंडिडेट्स का, तो उसकी वजह से थोड़ा लेट हो गया वीडियो। उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि दोस्तों मेरा मानना यह है कि थोड़ा अगर वीडियो लेट हो जाए तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे व्यूअर हैं उनको अच्छा लगे हमारी वीडियो को देखिए। क्योंकि अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तभी आप हमारे चैनल से जुड़ेंगे और तभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में जाते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और दोस्तों वीडियो अगर आपको और भी सही लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करा है यहाँ पे। जैसे कि आपको पता, जो एवरेज अटैम्प्ट जो निकल के आ रहा है स्टूडेंट का, वो यहाँ पे निकल के आ रहा है आपका हिंदी में 45 क्वेश्चन, रीजनिंग में आपके 35 क्वेश्चन और GK में आपके 35 क्वेश्चन। जैसा कि आपको बताया है फ्रेंड्स, हिंदी का लेवल जो था वो ज़्यादा कठिन नहीं था, सही था आपके। तो यहाँ पे 45 अटैम्प्ट आ रहा है आपका एवरेज निकल के। और जो आपका रीजनिंग है, रीजनिंग में आपका थोड़ा रीजनिंग लेंदी था, थोड़ा टाइम ले रहा था, टाइम टेकन था यहाँ पे, थोड़ा टफ कह सकते हैं आप इसे, कठिन था रीजनिंग। तो उसके वजह से यहाँ पे 35 उसके निकल के आ रहे हैं, 35 क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करके आ रहे हैं कैंडिडेट्स यहाँ पे। और GK आपका, GK का भी लेवल सही था यहाँ पे, तो उसका भी आपका 35 क्वेश्चन अटैम्प्ट यहाँ पे हो के आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप हिंदी के 45 और आपके रीजनिंग में 35 और GK में 35 जो है एक एवरेज अटैम्प्ट करके निकल के आ रहा है। जैसे कि आपको पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हिंदी में 50 के 50 अटैम्प्ट करके आए हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो केवल 40 अटैम्प्ट करके आए हैं। तो उसके वजह से जो एवरेज निकल के आ रहा है वो 45 निकल के आ रहा है। तो मैं यहाँ पे आपको जो है एवरेज दिखा रहा हूँ, ना कि आप कितने अटैम्प्ट करके आए वो नहीं। क्योंकि अगर आप कह सकते हैं कि सर मैं तो हिंदी में 50 करके आया या 40 करके आया, तो फ्रेंड्स आपको बता दूं मैं यहाँ पे मैं आपके लिए एवरेज क्वेश्चन अटैम्प्ट लेके आया हूँ। और देखिए देखते हैं यहाँ पे, अगर आपके यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन को यहाँ पे जोड़ते हैं सिर्फ 45 35 35, तो आपका टोटल यहाँ पे क्वेश्चन अटैम्प्ट जो आ रहा है वो आ रहा है आपका 115। आपको पता है 150 क्वेश्चन का एग्जाम था, उसमें से जो एक एवरेज निकल के आ रहा है वो 115 का यहाँ पे एवरेज निकल के आ रहा है। जैसे कि दोस्तों आपको पता है अगर हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं तो हमें पता भी नहीं होता कि हमने कौन सा क्वेश्चन कब गलत कर दिया, तो हमारी वजह से कुछ ना कुछ जो है क्वेश्चन यहाँ पे रॉन्ग जरूर हो जाते हैं, जिसका हमें अंदाज़ा भी नहीं होता वो क्वेश्चन भी यहाँ पे रॉन्ग हो जाते हैं। देखिए दोस्तों अगर आप 115 यहाँ पे अटेम्प्ट हो रहा है तो एवरेज निकल के आ रहा है रॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे 16 क्वेश्चन यहाँ पे रॉन्ग निकल के आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल हो जाता है, हमको पता भी नहीं होता कब कौन सा क्वेश्चन हमने रॉन्ग कर दिया, लेकिन हो जाता है। तो उसकी वजह से 16 यहाँ पे जो है रॉन्ग क्वेश्चन निकल के आ रहा है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, आपको पता है नेगेटिव मार्किंग थी बहुत ज़्यादा, 1/2 की थी। इसका मतलब है अगर आपका 2 क्वेश्चन यहाँ पे गलत होते हैं तो आपको एक सही क्वेश्चन यहाँ पे काट दिया जाता था वहाँ पे एग्जाम में। देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आपका अटैम्प्ट 115 आ रहा है और उसमें से 16 क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो गए, तो उसमें से आपके बचे 99 क्वेश्चन। और दोस्तों 99 अगर आप अभी यहाँ पे आपके सही करेक्ट 99 निकल के आ रहे हैं, और करेक्ट यहाँ पे 99 निकल के आ रहे हैं, उसमें से आपके नेगेटिव मार्किंग और आपके यहाँ पे कम होगी। क्योंकि दोस्तों आपको पता है 16 आपके यहाँ पे रॉन्ग निकल के आ रहा है, तो अगर आपका 16 क्वेश्चन गलत है तो आपके सही जो 99 क्वेश्चन है उसमें से आपके 8 माइनस हो जाएगा, क्योंकि 1/2 की नेगेटिव मार्किंग थी, तो 99 से 8 नेगेटिव कट गए तो आपके बचे 91। जो एवरेज निकल के आ रहा है 91 क्वेश्चन यहाँ पे करेक्ट निकल के आ रहा है बिल्कुल नेगेटिव घटाने के बाद। दोस्तों यहाँ पे हम 91 नहीं लेके चलेंगे, यहाँ पे हम एक सही सा एवरेज ले लेते हैं कि आपने मानिए आपके सही क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आ रहा है 90। जो आपका करेक्ट क्वेश्चन का अटैम्प्ट निकल के आ रहा है फ्रेंड्स नेगेटिव घटाने के बाद, वो आ रहा है आपका 90। मतलब आपके 90 क्वेश्चन यहाँ पे अटैम्प्ट आ रहा है आपको बिल्कुल सही नेगेटिव घटाने के बाद। तो देखिए मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे अगर आपके यहाँ पे 90 जो है नंबर आपके सॉरी 90 अगर आपके क्वेश्चन यहाँ पे राइट है नेगेटिव उठाने के बाद, तो जैसा कि आपको पता है एक क्वेश्चन यहाँ पे दो नंबर का था, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन था। अगर आपके 90 सही हैं और 2 से मल्टीफाई करते हैं तो आपका यहाँ पे स्कोर निकल के आता है 180। 180 का स्कोर आपके निकल के आ रहा है यहाँ पे, सेफ स्कोर जो है आपका 180 आ रहा है फ्रेंड्स। अगर आपके 180 यहाँ पे स्कोर आ रहे हैं तो बिल्कुल आप सेफ जोन में हैं,
आपको इसमें जो है बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, अगर आप इससे कि आगे भी कोई वीडियो डालता हूँ आगे भी तो आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाए सबसे पहले। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो कट ऑफ निकल के आ रही है यहाँ पे आपकी, वो जनरल की निकल के आ रही है 180, और ओबीसी की यहाँ पे थोड़ी कम लेके चलते हैं क्योंकि ज़्यादा फर्क नहीं रहता। जैसे कि प्रीवियस ईयर में भी देखा था मैंने, यहाँ पे ज़्यादा फर्क नहीं था ओबीसी का और जनरल का। तो मैंने ओबीसी के यहाँ पे 5 यहाँ पे मार्क्स कम ले लिए हैं, 175 पे आपकी ओबीसी की कट ऑफ जाएगी, एससी की जो है यहाँ पे 70, और आपकी एसटी की जाने वाली 162 और फीमेल की 155। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इसमें जो है प्लस माइनस आप जो 5 मार्क्स लेके चल सकते हैं प्लस माइनस, या तो आपका +5 जा सकता है -5 जा सकता है, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं रहने वाला दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपके लिए वीडियो बनाने की कोशिश की है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें फ्रेंड्स, और जो है हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। जो भी वीडियो का एग्जाम दे के आए हैं तो उनमें इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों अगर आप चाहें तो मेरे साथ अपने मार्क्स जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं नेगेटिव उठाने के बाद, उसको जो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं नीचे कमेंट करके कि सर मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, या आप नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और दोस्तों वीडियो को दोस्तों अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि जिससे कि हमारे चैनल पर कोई भी वीडियो मिलती है तो आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिले सबसे पहले, नोटिफिकेशन आएगा आपके पास सबसे पहले। दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, टेक केयर।